2, 1! हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब आप सबको मेरा यह व्लॉग जपलीन तेरा। तो आज हमारा थर्ड डे दिल्ली टू कश्मीर सीरीज का डे 2 बहुत टायर्ड फुल था। आपने देख लिया होगा मेरी पिछली वीडियो में। मुझे एनिमल्स शुरू से पसंद है और यहाँ पे कितने क्यूट से मंकीज है। देखो फ्रेंड्स कितने क्यूट है ना। मेरी यूट्यूब फैमिली आप भी मेरे साथ दुआ करो कि आगे का सफर बहुत ही अच्छा जाए। वाव पहाड़ दिखना शुरू हो गए। अब तो सच में कश्मीर आने वाले। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये प्रकृति के साथ चलने का मतलब हजार चमत्कारों को एक साथ देखने जैसा है। रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी टनल आई जा रही थी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। है क्या हो रहा है? अरे फिर से कौन आ गई? मजा आ रहा है। मैंने ऐसा लगे गेम खेल रही हो कोई। हम लोग क्या खाने के लिए मैगी लाएंगे। बच्चों की जान जरीबा की है, मेरी भी है और कबीर की भी है, अब बड़ों की भी है। मम्मा और कबीर तो मिलकर सो रहे हैं। अब हम खाएंगे पराठा दही और छोलों के साथ और उसके बाद हम खाएंगे मैगी। यहाँ की तो बड़ी यम्मी मैगी थी, मेरी तो पेट पूजा हो ही गई। तो चलो खा पी के अब चलते हैं आगे सफर की ओर, क्योंकि मुझे कश्मीर जल्दी जाना है। पेट्रोल रिफिल करा कर चलो आगे की ओर निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं मुखर्जी टनल के अंदर। इंडिया की सेकंड बिगेस्ट टनल है ये। अराउंड 9 to 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस टनल की वजह से जम्मू और श्रीनगर की बीच की दूरी में कमी आई है, लगभग 30 किलोमीटर। अब 2 घंटे पहले ही श्रीनगर पहुंच जाते हैं। टनल के बाद रास्ता थोड़ा सा खराब है यार, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। ये देखो बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। कुछ तो बात है पहाड़ों की हवाओं में, तन के साथ साथ मन भी छू रही है। एक और टनल की अब बात है। टनल ने टनल बना रखी है कश्मीर में। तो जब सफेद चादर में लिपटी धरती नीले आसमान से मिलती है, तब ये दुनिया जन्नत सी लगती है। धरती पर जन्नत भी बसती है, यह मालूम नहीं था जब तक कश्मीर को देखा नहीं था। जब बर्फ वादियों को घेर लेती है, पहाड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। हमारी तरह ट्रेन भी श्रीनगर पहुंच रही है। तो अब हम श्रीनगर पहुंच गए। So guys, finally, हम पहुंच चुके हैं डल लेक। उसके बाद हम जाएंगे शिकार राइड से सीधा हाउस बोट में, और हाउस बोट में रहने का तो कुछ पता ही है। और So guys, हम गेट नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं। अब हम जाएंगे सीधा 13 में। हम उतरेंगे गेट 2 पर, क्योंकि हमें वहाँ से शिकारा राइड से जाना है सीधा हाउस बोट। और हाउस बोट में तो आपको पता है कितना मजा आता है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट करते हैं जल्दी से। अब आ चुका है कश्मीरी स्टाइल में डेकोरेटेड शिकारा। कितनी सुंदर लग रही है। हर शिकारा का अपना अलग अंदाज का नाम होता है, जैसे कि गुलाब, सुल्तान, खूबसूरत। मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा था, मन कर रहा है जल्दी जाके बैठ जाऊं एक बार। मेरे चाचू और रीवा भी आके बैठ गए फटाफट से। मैंने शिकारा चलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन मुझे थोड़ी मुश्किल लगी। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और मैं आपको फटाफट से अपने रूम का टूर करवाती हूँ। आ जाओ, ये है मेरा स्टडी टेबल और ये है मेरे भाई का बेड और ये मेरा बेड। और यहाँ पे भी मैं पढ़ सकती हूँ और ड्राइंग्स भी कर सकती हूँ। ये है सबसे बड़ा बेड और ये हमारे यहाँ का लैंप, कितना सुंदर है लाइटनिंग। और ये है हमारा सा आलशान सा टीवी।
यहाँ पे हम टीवी देखेंगे और कार्टून्स भी देखेंगे। वाह कितना सुंदर है यह शेल्फ। हम यहाँ पे टीवी का रिमोट रख सकते हैं एंड फोन्स भी रख सकते हैं। वाह ये कितना अच्छा है मेरा रूम। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। और एक और चीज़ इस रूम में खास है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है डल लेक का। वाह कितना सुंदर है। जानना चाहते हो इस होटल का नाम क्या है और ये रूम मैंने कितने का लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको पक्का प्रॉमिस रिप्लाई दे दूंगी। और ये रूम इतना अच्छा है ना, वाह जैसे कि इसके सामने ही एकदम डल लेक है और इतना सुंदर व्यू होता है यहाँ से कि बोलो वाह सब तो बहुत अच्छा है। तो आप ऑनलाइन मत लो, आप यहीं पे आके लो। भूख बड़ी लगी थी तो इधर से ही हमने पेट पूजा की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन का बटन ठोक देना। एपिसोड 3 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आने वाले एपिसोड के कुछ नज़ारे कश्मीर के। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। और ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो शो रही है वो जाके देखो फटाफट से।